आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही बड़ों की रेसिपी। ये माश की दाल के दही बड़े हैं। इसके लिए आपको एक पाव माश की दाल यानी 250 ग्राम माश की दाल चाहिए, जिसे आपने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद इसे 6 से 7 घंटों के लिए कम से कम आपने इस तरह से भिगो के रख देना है। 6 से 7 घंटे भिगोने के बाद अब इसे मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। इसका जो ये पानी है ये अच्छी तरह से मैं इसे निकाल लूँगी। जिस पानी में मैंने दाल को भिगोया था उससे मैंने इसमें से अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब ये दाल इस तरह से ड्राई फॉर्म में आ गई है। अब इसे हमने चॉपर में पीसना है। आपने एक चॉपर लेना है और उसमें सबसे पहले ये जो दाल भिगोई हुई थी इसको ऐड कर देना है। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, ये ड्राई रोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, ऐसे ही डालना है इसको, और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इन चीज़ों को डाल के मैं दाल को अच्छा सा पीस लूँगी। थोड़ा सा पीसने के बाद आप इसको इस तरह से बीच बीच में से हिलाती रहें ताकि ये सही तरह से पीस जाए। दाल जब आपकी अच्छी खासी पीस जाए तो अब आपने इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड कर देना है इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए, और दोबारा से चॉपर को चला देना है। अब आपने इसको हिला देना है अच्छी तरह से स्पैचुला से या किसी भी चम्मच से, और दोबारा से 1 टीस्पून पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने से इसका जो पेस्ट है वो बहुत स्मूथ बनेगा, अच्छा सा बन जाएगा। अब इसमें मैं मज़ीद 1 टीस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है जब तक कि हमारा एक स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता। एक साथ आपने इकट्ठा पानी नहीं ऐड करना कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसको आपने पीसते जाना है। दाल को मैंने पीस लिया है। ये पेस्ट इस तरह का होना चाहिए कि जब आप इसको स्पून में इस तरह से करें आराम से ड्रॉप हो, ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप ना हो और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। और दाल को बहुत ही अच्छी तरह से आपने पीसना है। इसमें कोई ज़रा इसका दाल का बिल्कुल भी आपको फील नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। इस तरह से ये दाल अच्छी तरीके से पीस चुकी है। इस तरह से ये पेस्ट होना चाहिए। दही बड़ों का इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1/4 कप से लेकर 1/2 कप तक इसमें पानी ऐड किया है। ये आपकी दाल पे डिपेंड करता है, आपने इतना पानी ऐड करना है कि इस तरह का पेस्ट बन जाए। पानी एहतियात से ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और पेस्ट बनाते जाना है आपने इसका। अब आपने इस पेस्ट में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मैंने थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर ऐड करके देखा है, ये इस तरह से इसके किनारों पे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है ऑयल सही से गर्म हो चुका है। अब आपने बड़ों को डालने से पहले एक दफ़ा इस तरह से अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद स्पून में थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके आपने, और जिस साइज़ के भी बनाने हैं उतना मिक्सचर लेके इस तरह से ऑयल में ऐड करते जाना है। आप इनको इस तरह से हाथ से भी ऑयल में डाल सकती हैं, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके और पकौड़ों की तरह इस तरह से आप डालते जाएं इसके अंदर। देखिए कढ़ाई में ऐड करने के बाद आपकी कोई भी शेप बनी हो तो ये खुद सेट हो जाते हैं और इस तरह से राउंड शेप ले लेते हैं ये इस तरह से। दही बड़ों को कलर आ चुका है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। इनको आप इस तरह से निकाल के और इस तरह की कोई भी आप छलनी लेके उसमें रख दें। दही बड़ों को पकाकर आपने इस तरह से छलनी में रख देना है ठंडा होने के लिए,
जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको हम पानी में ऐड करेंगे। गरम गरम पानी में ऐड नहीं करना आपने। आपने अब पानी लेना है, ये पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। आप इसमें फिंगर अपनी अगर डिप करें तो आपको हल्का सा गर्म महसूस हो, इतना हो, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब आपने जितने भी दही बड़े बनाने हैं इनको इसमें सोक कर दें 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत क्रिस्पी बने हैं, ऐसे ही खाने को दिल कर रहा है। जब तक ये भीगे रहेंगे तब तक हम इसके लिए दही को तैयार कर लेते हैं। आपने 1/2 kg दही लेना है और इसके अंदर 2 tablespoon चीनी लेकर और उसे पीस कर ऐड कर देना है। साथ ही आपने 1/2 teaspoon चाट मसाला और 1/4 teaspoon नमक, इन चीज़ों को डाल के अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर देना है, अच्छा सा फेंट लेना है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये आ जाए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं बड़ों को इस तरह से भीगे हुए। अब आपने इस तरह से एक हथेली पे रख के और दूसरी हथेली से इसको आइसस से दबाना है ताकि इसमें से जो पानी है वो निकल जाए इस तरह से। और आपकी जो सर्विंग डिश है जिसमें आपने सर्व करना है उसमें आप इनको रखते जाएं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी असेंबलिंग के लिए आपने सबसे पहले अंदर यहाँ पे बड़ों को रख देना है, उसके बाद ये जो दही हमने तैयार किया था इसको लेके आपने और इनके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देना है अच्छी तरह से ताकि ये कवर हो जाए। ऊपर आपने इस तरह से चाट मसाला डाल देना है। इसके ऊपर आपने इमली की चटनी डालनी है। इमली हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं। देखिए अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, कोई इनके अंदर गुठली वगैरह नहीं है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। सेम बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट है इनका। आप इनको घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसे आप इमली की चटनी और चाट मसाला के साथ सर्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।